हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हो इकबाल एडिटिंग। तो आज हम इस तरह का ग्लास फॉन्ट बनाएंगे, न्यू फॉन्ट और न्यू सेटिंग के साथ, न्यू डिज़ाइन के साथ। तो पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बात रही फॉन्ट की, तो फॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस तरह से आप, क्योंकि ये सब पे करने वाला फॉन्ट है, ख़रीदने वाला फॉन्ट है, ये फॉन्ट फ्री है नहीं, क्योंकि ये सब सारे फॉन्ट मैंने बाय किया है। तो कोशिश करूँगा मैं कि इसका टेलीग्राम पे हम अपलोड करने का, टेलीग्राम चालू करने का। अगर कर लिया तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम पिक्सेल लैब ओपन करते हैं। उसके बाद हम इसमें नेम ऐड कर लेंगे, फीज़ा। उसके बाद इसमें हम फॉन्ट लेंगे, ए वाला ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट लेंगे ए बी फॉन्ट में। ये फॉन्ट है तो ये थोड़ा बीच में गैप ज़्यादा है, जगह ज़्यादा है, तो इसको हम क्लोज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हम ये वाले इसमें जाएंगे, हल्का सा इसमें इसको हम क्लोज़ करेंगे 14 पे। उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद हम लेयर वाला ऑप्शन में जाएंगे, राइट साइड से दूसरे नंबर पे नीचे। उसके बाद ट्रांसपेरेंट में जाएंगे, यहाँ सेव इमेज अल्ट्रा में इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद हम PSCC को ओपन करेंगे, प्लस में जाएंगे, यहाँ फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ से हम फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो ले लेने के बाद हम फिर से प्लस में जाएंगे, फ़ोटो लेयर में जाएंगे, यहाँ से जो हम पिक्सल में हम सेव किए हैं उसे हम ले लेते हैं। इसको हम थोड़ा साइज छोटा करेंगे और इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। इसका हम तीन लेयर बनाएंगे। फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाएंगे और लाइटन लेंगे, सर्कल को निकाल देंगे बाय डिफॉल्ट सेटिंग, इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, ये और ये दो लेयर जो है आपको हर ग्लास फॉन्ट में लगेगा। अगर अच्छा ग्लास फॉन्ट बनाना चाहते हैं तो ये दो लेयर आपको हर फॉन्ट में सेम ही रहेगा, जो रहेगा मैन बाद में इसमें और हल्का इसमें आता है लास्ट में। तो हम इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से ड्रॉप शैडो ले लेते हैं, इसको हम 5 पे रखेंगे, डिस्टेंस को भी हम 5 पे रखेंगे, और एंगल जो है हम 45 पे रखेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टी कर देंगे। लास्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से बेबल लेंगे, कलर ब्लैक, ब्लर हम 16 रखेंगे और डिस्टेंट 8। उसके बाद हम इसको 1, 2, 9, 10 इस पर भी हम 10 बेबल लगाएंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड लाइटन कर देंगे, और उसके बाद हम फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर को सिलेक्ट करके इसको बीच वाली लेयर को सिलेक्ट करके प्लस में जाएंगे, मोड प्लस कर देंगे, यहाँ से सिलेक्ट टूल लेंगे और ये टिक लगा रहना चाहिए। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी और इसे भी। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से ब्रश लेंगे, ब्रश में जाएंगे, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे इसके, और ये वाला हमको ब्रश लेना है, इसको जो है इतने पे रखना है। उसके बाद हम सिर्फ यहाँ से हम कलर चेंज करते रहेंगे, कलर हम पिंक ले लेते हैं, इसका साइज हम 50 पे रखेंगे इस तरह से।
इसी तरह से हमको पेंट करते चले जाना है कलर चेंज कर करके। ये हो गया, उसके बाद यहाँ से हम कलर ले लेते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी समझ में आएगा, हम बार बार यही बता रहे हैं। एक भी चीज़ इसमें मिस कीजिएगा तो फिर सेम नहीं बनेगा। यह हो जाने के बाद हम यहाँ से फिर से हम ब्रश चेंज करेंगे, ये नॉर्मल वाला ब्रश लेंगे, इसको हम फुल क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से हम कलर ले लेते हैं और साइज हम 7 पे रखेंगे। उसके बाद इसे हम कलर कर लेते हैं। फिर से हम ग्रीन कलर लेंगे, ये लीव्स जो है और पत्ता, उसे हम कलर कर लेते हैं। अगर एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ से हम सेम कलर फिर से ले लेते हैं। ये हो जाने के बाद पिक्सल को हम डिसलेक्ट करेंगे, बीच वाले लेयर पे जाएंगे और यहाँ से हम सारा पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कलर ले लेते हैं, ये फ्लावर को हम पेंट करेंगे, उसको भी हम नीचे वाले ही लेयर से पेंट करेंगे क्योंकि ये पिक्सल सिलेक्ट होने वाला नहीं है सिंगल सिंगल। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हम इसी तरह का वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यह हो जाने के बाद हम पिक्सल को डिसलेक्ट करेंगे, बीच वाली लेयर पे जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट टूल लेंगे और ये टिक लगा लेना चाहिए। उसके बाद इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से, और ये हार्ड कॉपी हम
सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद नीचे आएंगे, फुल इन स्टॉक से कलर वाइट टेप हमने उसे रखेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद हम बीच वाले लेयर पे फिर से जाएंगे, प्लस मोड कर रहना चाहिए ये, इसे हम सिलेक्ट करेंगे अल्फ़ाबेट को। उसके बाद हम इसका प्लस में जाएंगे, सिलेक्ट लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, पिक्सल को डीसिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एफएक्स में जाएंगे, यहाँ से बेबल लेंगे, ब्लर 3, डिस्टेंट भी 3 रखेंगे। ब्लर 3 और डिस्टेंट भी 3 रखेंगे। एंगल हम पहले 180 ले लेते हैं, इस बार एंगल 90, एंगल 0, फिर से 90। उसके बाद हम इसी लेयर को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाएंगे, फ़ोटो में जाएंगे, सनी अपटन लेंगे, इसमें 2 बार लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद ये हो जाने के बाद हम फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और प्लस में जाएंगे, यहाँ से लाइट इफेक्ट ले लेते हैं। ये लाइट मेरे को आप लोगों को मेरे बहुत सारे वीडियो में है, इसका लिंक आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कट करेंगे इसको, कॉपी करके इसको कट करेंगे और पेस्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसको, पहले हम बैक कर लेते हैं। इसी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से इरेजर ले लेते हैं, इसका टेक्स्ट जो है उसे हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट, कट और पेस्ट। इस तरह से आप लोग चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि ऐसे भी अच्छा दिख रहा है। ये हो जाने के बाद फर्स्ट वाला लेयर जो है ये वाला है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में जाएंगे, बेसिक में जाएंगे, यहाँ से ग्लो लेंगे, कलर वाइट, ब्लर 0, इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। उसके बाद हम जिसमें हम बेबल लगाए हैं उसका भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देख सकते हो ये कलर कितना अच्छा दिख रहा है, डॉट डॉट, अभी एक साइज नहीं है। तो इसको हम सेव करने के लिए डन करेंगे और सेव करेंगे।